Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So my dear viewers, I'm again back with another video and this video is going to be wow. और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे और भर के सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो सुपर वाव हो जाएगी. और ये आज का जो टॉपिक है ना हमारी वीडियो का, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सो ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइफ अंडर वाटर या फिर बिलो वाटर. मीन्स के पानी के नीचे की दुनिया कैसी होती है, क्या क्या होता है. ठीक है, हम सबने ना फिशेस और ऑक्टोपस और भी बहुत सारे कार्टून्स लाइक मरमेड वगैरह, ये सब चीज़ें आपने ना एक्वेटिक एनिमल्स बहुत सारे देखे होंगे कार्टून्स में, मूवीज में, और इनके बारे में सुना होगा. लेकिन क्या आपको पता है सिर्फ एनिमल्स के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो लाइफ वाटर के नीचे होती है. उसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, और जो एक्वेटिक एनिमल्स जिनका नाम आपने सुना है उसके अलावा भी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से लाइफ जो अंडर वाटर है वो पॉसिबल हो पाती है. जैसे हम अर्थ पे रहते हैं, हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती है हमारी बेसिक नीड को कम्प्लीट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें नेचर से मिल जाती है. सेम ऐसे ही जो लाइफ के नीचे जो वाटर के नीचे जो एनिमल्स रहते हैं उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उनको जो चीज़ें चाहिए होती है, वो सब कुछ कैसे उनको मिलती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, कैसे इसका इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ से रिलेटेड, कैसे हम जो ह्यूमंस हैं वो जो लाइफ है अंडर वाटर उससे कैसे कोरिलेट करते हैं. तो ये जो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अभी बोल दिए ना, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको ये वीडियो देखने के बाद मिलने वाला है. अगर वीडियो अच्छी लगती है, किसी भी मूवमेंट पर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, जिस मूवमेंट पर भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. अब सबसे पहले लाइफ अंडर वाटर. जब हम अर्थ को ऊपर से देखते हैं ना तो हमें कैसे दिखाई देती है अर्थ, या फिर आपने उसमें ग्लोब में भी देखा है, मैप्स में भी हम अर्थ को जब देखते हैं तो हमें ना अर्थ ब्लू और ग्रीन बेसिकली दो कलर्स में ही दिखाई देती है. तो उसमें आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, जो वाटर है ना वो मैक्सिमम जो सरफेस है अर्थ का वो कवर करता है. ठीक है, और यू कैन से 70% ऑफ वाटर है हमारी अर्थ सरफेस पे. अब ये जो रेशियो है ना 70%, ये थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है 1-2% का, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं आ सकते. मीन्स कि मैक्सिमम अमाउंट जो है ना वो अर्थ पे क्या है, वाटर. ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट हमारी अर्थ पे वाटर है. वाटर हमारी डे टू डे लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसके अलावा भी वाटर के और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं. मतलब जितना इंपॉर्टेंट हम वाटर को समझते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाटर हमारी डे टू डे लाइफ में. अब जो अर्थ पे जो ये वाटर ने जो इतना पोर्शन कवर किया हुआ है, ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्टिंग लाइफ में. ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ सपोर्टिंग लाइफ में क्या चीज़ें आती है, सबसे पहली चीज़ होती है ह्यूमन वेलबींग. ठीक है, ह्यूमन वेलबींग. उसके अलावा सोशल, एंड नेक्स्ट वन इज इकोनॉमी. सो ये जो वाटर है ना, वाटर हर जगह वाटर, जो हम ये सुनते रहते हैं सेव वाटर, ये करो वो करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें ना कैसे एक दूसरे से रिलेट करती है. अब देखिए, लाइफ जो ह्यूमंस की जो लाइफ है ना वो वाटर के अराउंड घूमती रहती है. जैसे फ़ोन कंपलसरी ना, ऐसे वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है. सो सबसे पहले जो वाटर है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारी डे टू डे लाइफ को कंप्लीट करता है. उसके अलावा ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है. जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि ओशंस हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं, ये सारी चीज़ें टूरिज्म को अट्रैक्ट करती हैं. जितना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड टूरिज्म हमारी कंट्री में होगा, जितना ज़्यादा टूरिज्म को हम अट्रैक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी पर उसका इम्पैक्ट दिखता है. मीन्स कि ये साथ साथ टूरिज़म के ये इकोनॉमी की भी ग्रोथ को बढ़ाता है. ठीक है, सो सोशली और इकोनॉमिकली वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मैं वाटर बॉडीज में मैं बोलूँ तो जैसे ओशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है. अब सबसे ज़्यादा जब वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो ओशंस, ठीक है, सीज और रिवर, इसके अलावा जैसे आप किसी वाटर पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे आपको वो मिलता है, स्विमिंग पूल मिल जाता है. ठीक है, पूल या फिर
बाथ टब में भी हम वाटर को स्टोर करते हैं। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो वाटर के मेन सोर्सेज हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना वो है ओशन, ठीक है। ओशंस में क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है ना वो मेनली ओशंस में ही पाई जाती है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, आज मैं आपको ये चीज़ समझाने वाली हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑक्सीजन, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शायद से ऑक्सीजन, है ना। बिना इसके आप रह नहीं सकते, सांस लिए बिना जी थोड़ी ना सकते हैं। पानी के बिना भी एक बार को आप कुछ टाइम तक रह सकते हैं, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और अभी जो कोविड का टाइम चला उसमें ऑक्सीजन की वैल्यू और ज़्यादा पता चली होगी, ठीक है। सो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ पता है कि जो प्लांट्स है ना उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, बट गाइस प्लांट्स के अलावा कुछ हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब जहाँ से जो हमारे पास ऑक्सीजन का मेन सोर्स है वो है मरीन वाटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो आपको कहाँ से मिलती है, ओशन से। मतलब कि हमारी अर्थ पे 50% मैक्सिमम 50% अमाउंट जो है ना वो ओशंस कवर करते हैं ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, जो ओशंस है ना, ओशन से हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है, ओशन के नीचे एक्वेटिक लाइफ होती है, फिश और ये वेल वगैरह ये सब आपने सुना होगा। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक लाइफ में, जैसे कि मैं आपको तीन मेन प्लांट्स का बताती हूँ जो कि ओशंस में पाए जाते हैं, जो पूरी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी, और जो वहाँ पे जो जिन एनिमल्स को हम खा जाते हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं। तो वो कौन से थ्री प्लांट्स हैं, सबसे पहला है, फर्स्ट जो प्लांट है जो एक्वेटिक उसमें इम्पॉर्टेंट है वो है फाइटोफ्लैक्टन, सेकेंड है कैल्प, और थर्ड है एल्गल क्लैक्टन, ठीक है। नाम से मे भी क्लियर ना हो रहे हो, मैं इनकी स्पेलिंग लिख देती हूँ। फर्स्ट है फाइटो फाइटोक्लैक्टन, सेकेंड है कैल्प, थर्ड है एल्गल क्लैक्टन, ठीक है। इसको इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, प्लीज़ एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन ये जो तीन प्लांट्स हैं ना ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट्स है। इसमें से जो फाइटोफ्लैक्टन है ना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक टाइनी मतलब बहुत ही छोटा और सिंगल सेल्ड प्लांट है, ठीक है, सिंगल सेल्ड, और यू कैन से वन सेल्ड, वन सेल होती है इसमें सिंगल सेल का। ये बहुत ही छोटा सा प्लांट है, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट होता है ऑक्सीजन का वो हमें इससे मिलता है। अब इसके अलावा जो मरीन है, ओशंस हैं, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के अलावा जो हमारे एटमॉस्फेयर में 50% कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ह्यूमन बॉडी से रिलीज होती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, तो उसको भी ये 50% या 50 टाइम्स ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में 50% ज़्यादा मरीन्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो आप समझ पा रहे हैं कि हमारे लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल है, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्लांट्स हैं, जैसे ये तीनों जो प्लांट्स हैं, ये क्या है, वाटर के बिल्कुल नीचे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए एक तरीके का शेड प्रोवाइड करें, शेड मतलब लाइक अ शेल्टर, ठीक है। जैसे हाउस हम ट्रीज हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं ना, सेम उनके लिए ये चीज़ हेल्पफुल है। ऊपर से इनको फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि इनसे हमें ऑक्सीजन मिल रही है, जो ऑक्सीजन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जो थ्री प्लांट्स है इसके अलावा जो नेक्स्ट जो और कोई भी एक्वेटिक बॉडीज में वो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कोरल रीफ, ठीक है। नाम आपने सुना होगा कोरल या फिर कोरल रीफ्स, इसके पिक्चर आपको अभी ऊपर दिख रही होगी। तो कोरल रीफ्स में क्या होता है, सबसे पहली चीज़, जैसे प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा है ऑटोट्रॉफ्स में सिक्स क्लास टेंथ की सिक्स चैप्टर है लाइफ प्रोसेस बायो, उसमें आपने पढ़ा होगा। और आप जानते भी हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, मीन्स की जो स्वपोषी होते हैं। लेकिन जो कोरल रीफ्स होते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं ना, आप सोच सकते हैं कि ये कोरल रीफ प्लांट्स है, बट ऐसा नहीं होता है, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। अब ये खुद से नहीं बना सकते तो यू कैन से कि ये हेटरोट्रॉफ्स है, विषमपोषी, जो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और मे बी ये जो है कोरल रीफ्स, ये एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है।
अब जैसे ट्री का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये हमें ट्री से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें ट्री से फूड मिलता है और हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं ट्री, ठीक है। तो सेम चीज़ इसमें है, जो कॉरल रीफ्स होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या फिशेज या वो एनिमल्स जिनको हम खा जाते हैं, उनको ये फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कॉरल रीफ के बारे में और जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि जो इनकी हाइट है, मैक्सिमम हाइट जो होती है वो इनकी 6 फीट तक, ये 6 फीट जितनी हाइट तक ये ऊपर ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा जो इनकी लाइफ है वो 900 ईयर्स तक मैक्स टू मैक्स हो सकती है। 900 ईयर्स बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो उस टाइम तक, इतने सालों तक ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो कोरल रीफ्स हैं, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंस बता दी कि ये ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनकी जो लोकेशन है वो क्या है या कहाँ आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमें इंडियन या फिर पैसिफिक ओशन में, ठीक है, और या फिर और कोई भी ओशंस होंगे जहाँ पे पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ पे हम ह्यूमन एक्टिविटी से ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर पाते, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, मेनली इंडियन एंड पैसिफिक ओशन में। अब कह सकते हैं आप कि जो वाटर के नीचे ही पाए जाते हैं, तो जहाँ हम पानी स्टोर करते हैं, हाँ वहाँ ये हो सकते हैं, लेकिन हम उस वाटर को बार बार डिस्टर्ब करते रहते हैं उसकी क्लीनिंग के पर्पज़ से या किसी और पर्पज़ से, तो उस वजह से ये वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कोरल रीफ्स के बारे में। इसके बाद में जो आप नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ये कि जो एक्वेटिक लाइफ्स है उसको वो कैसे, उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन पर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं वो सारे चेंजेस हम सब ने देखे हैं, हमारे से कोई भी चेंजेस छुपे नहीं हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि जो ओशंस हैं वो हमारे मतलब ऑक्सीजन के अलावा और सोशली और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा ये जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो क्लाइमेट चेंज में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओशंस का काम क्या होता है, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है वो ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ को समझते होंगे कि ये हमारी अर्थ के इक्वेटर से हीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। हीट ट्रांसपोर्टेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इक्वेटर से हीट लेके पोल्स तक प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है कि जो हीट है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी में ये ज़्यादा अच्छे डीप पे टॉपिक है। उसके अलावा जो मैंने अभी आपको कोरल लीव्स का बताया, तो इसमें आप एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, 3D स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ट्री का स्ट्रक्चर होता है, सेम ऐसे 3D स्ट्रक्चर होता है। और जो कोरल रीफ है, जो पोर्शन है या जो जैसे प्लांट में या जो स्ट्रक्चर आपको कोरल रीफ का दिखता है उसमें जो पोर्शन बेसिकली जिसको हम कोरल कहते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे, टाइनी, थाउजेंड्स ऑफ पॉलिप्स से मिलके बनते हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पॉलिप्स जो है वो कोरल को मिलकर बनाते हैं, इसका माउंड या फिर जो ब्रांच होती है, ठीक है, माउंड और ब्रांच। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगते थे वो मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और इसके बारे में और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, ये नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अब कम टू द टॉपिक, प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ओशंस के, जो हम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा है वो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में यह आता है कि अभी के टाइम में ना गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, पहले के कंपैरिजन में गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, समर्स का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, विंटर्स का टाइम उतना ही कम होता जा रहा है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये शायद से अपनी दादी नानी से भी सुना होगा कि पहले के टाइम पे ना सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, विंटर्स का टाइम करीबन 4-5 मंथ्स होता था, लेकिन आज के टाइम पे जो मैक्सिमम टाइम जो विंटर्स का होता है वो मैक्स टू मैक्स 1 मंथ, मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स, इससे ज़्यादा की ठंड नहीं होती है। तो एक इसकी वजह से हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हमारी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बढ़ी है। जैसे जैसे गर्मी का लेवल बढ़ता जा रहा है हम क्या करते हैं, AC यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, उसमें से टॉक्सिक गैस निकलती है जो हमारे एनवायरमेंट को हार्म पहुँचा रही है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम तो आती है क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा सेकेंड प्रॉब्लम आती है पोल्यूशन, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आर सोसाइटी, ठीक है। पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है। अब जो हमारी हॉली रिवर्स है वहाँ पे हम धर्म के नाम पे इतना कूड़ा कचरा उसमें फेंकते हैं, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, प्लास्टिक पे बैन नहीं कर सकते, ये चीज़ है, गवर्नमेंट कह रही है प्लास्टिक को बैन कर दो, बट
इतनी ज्यादा अमाउंट में प्लास्टिक हमारे नेचर में प्रेजेंट है कि हम उसे भाग नहीं सकते। तो हम अपने अपने लेवल पे, स्टार्टिंग एक से ही होती है, तो हम अपने अपने लेवल पे इसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा ओवर फिशिंग मतलब कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो कि पानी में रहते हैं, उन एनिमल्स को अगर हम एक्सेस में खाते हैं, ठीक है खाना कंपल्सरी है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी होता है खाना, तो वो ठीक है क्योंकि ये बैलेंसिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बट ओवर किसी भी चीज का होता है, जब हम एक्सेस में किसी भी चीज को करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। उसके अलावा जो बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस होती हैं, या फिर जो ह्यूमन वेस्ट है, या केमिकल जो फैक्ट्री से निकलता है, केमिकल वेस्ट है, वो सारा हमारा किसमें जा रहा है, वाटर में, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। ये जो फिशेज हैं और ये जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इनकी लाइफ पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। So you can say, ये एक सोशल मैसेज भी है कि हमें इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर सपोज हमारी अर्थ से पूरी की पूरी जो ये एक्वेटिक लाइफ है ये पूरी की पूरी खत्म हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, ओशंस वर गोन, अगर ओशंस गायब हो जाए, दिखेगा तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है रेन, ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम वो है रेन। एंड सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम है जो अर्थ है ना हमारी, यानी प्यारी सी अर्थ है, वो डेजर्ट बन जाएगी। विल बिकम डेजर्ट, ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर ओशंस में ऐसे ही मतलब पोल्यूशन होता रहा, ऐसे एक्वेटिक लाइफ पे इफेक्ट पड़ता रहा, वो भी बुरी तरीके से इफेक्ट, तो जो रेन है वो होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अभी मॉनसून का टाइम चल रहा है, कुछ जगह पे तो फ्लड आया हुआ है, लेकिन कुछ जगह पे बिल्कुल जो बारिश होनी चाहिए उतनी भी नहीं हो रही है, ठीक है। सो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, रेन पे। सेकंड, हमारी पूरी अर्थ रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हीट और हीट और सिर्फ गर्मी ही गर्मी रह जाएगी, ठीक है। सो कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम लेके इसको, ये जो प्रॉब्लम है, इस इशू को खत्म कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि टेक केयर ऑफ बीच, जो बीच है या फिर जहाँ पे आप रिवर है या जहाँ पे भी आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप गंदगी कम से कम फैलाएं और प्लास्टिक को अवॉइड करें कि वो आप रिवर में ना फेंके। इसके अलावा जो सेकेंड पॉइंट है वो ये हो सकता है कि हम इन जैसे कि पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन के लेवल को कम करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लेवल पे एफर्ट्स कर सकते हैं उतना करें। उसके अलावा कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस ये फॉलो करती हैं, मीन्स कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए वो आगे आती हैं, तो हम अपने लेवल पे जितना उनको फाइनेंशियली और फिजिकली और मेंटली जितना हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ है तभी तो हम हैं ना, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का ये जो टॉपिक है ये मैंने अपनी तरफ से बहुत बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। स्टिल कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।